यही है, और एक प्रथा चली आ रही है एसोसिएशन की, जो नंबर अपना रिटायर होता है उसको शहर हम लोग बताकर, यही मेरी कोशिश रहती है। और कल की पार्टी के लिए प्रसाद हमें पैसे नहीं थे, हमने कहा 10 आदमी हमारे यहाँ से रिटायर हो रहे हैं और हम उनको माला पहनाने में भी असक्षम हैं, क्या बताइए आप। हम घर जाते हैं और बच्चों को बुखार आ जाए, 500 रुपये की 800 रुपये की फीस है डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर की, और बड़े के डॉक्टर के 800-900 रुपये लेते हैं। तो हम सोच रहे यार एक बार ऐसा करते हैं, अपने मेम्बर को रिटायर करके अपने घर जाए, खुशी से बोले तो नहीं कह रहा था ना गाड़ी लेटर लेकर भाग जाए, कोई मिला के नहीं मिला करने के। हमने ऐसे प्रयास किया है कल के लिए भी, हालांकि उतना हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि धन का अभाव है। अभाव इसलिए है कि लोगों को सही मिलने की उम्मीद नहीं रहती, बेचारे पैसे कहाँ से देंगे। फिर भी इसने कंट्रीब्यूट किया है, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और कोशिश करूँगा फिर ऐसे ही आपको जो भी रिटायर हो यार कम से कम माला तो बना दे, एक मोमेंटो तो दे देंगे, मोमेंटो यादगार है वो दे देंगे, बच्चे भी दे देंगे तो हमारे पास रिटायर हो गए ये बी एस एन एल से मोमेंटो दिया। तो ये सारी बातें हैं बी एस के लिए, भैया सोच रहे हैं अपने मन में, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, राज्य से जो सेवा करना चाहता है तो ये तो है नहीं कि एमपी बन गया तो पेंशन शुरू हो गई, यहाँ तो अपने पैसे ही छुपाने हैं। अब 200-200 रुपये परसों दिए थे तो ये मैंने आज के लिए कंट्रीब्यूशन इसलिए सर कमाया नहीं किया यार, आज फिर करूँगा तो लोग कहते यार मैं तो मार दिया था, तो मैंने चलो अपने पास से मैं तो वही सोच रहा था यार घर पर खर्च करके 1000 रुपये पता नहीं चलता है, एक मेहमान बहन आ जाए धन दिया जाए 1000 रुपये खर्च कर दो ठीक है ना। तो आप ये प्रथा रिक्वेस्ट करूँगा तो बनाए रखते हैं मेरे बाद में भी, और कभी कोई मेरी जरूरत होगी तो मैं आता ही रहूँगा, अभी भी हूँ 6 महीने तक, तो आगे अल्लाह वाली है ईश्वर वाली है सब कुछ ठीक होगा, अच्छा ही होगा, जो ईश्वर करता है अच्छा करता है। और इन तीनों लोगों की महान भाव होगी, अपने बड़ा भाई होगी उनके भविष्य की कामना करता हूँ, ये हमेशा खुश रहें स्वस्थ रहें। और मेरे लायक कुछ छोटी मोटी सेवा हो करना चाहते रहना चाहूँ, वो तो दोनों बड़े भाई हैं, ये कोई सेवा हो धन्यवाद। और